हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन के अबाउट। यू नो दैट दिस इज आवर चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड लेक्चर नंबर 3। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन। यू नो दैट इन प्रीवियस टू लेक्चर, इन लेक्चर नंबर 1 एंड इन लेक्चर नंबर 2, वी हैव कवर्ड सम इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं जस्ट आपको उनका हल्का सा रिकैप करवा देता हूँ, जस्ट उनका बेसिक इंट्रोडक्शन, हमने क्या कुछ स्टडी किया था वो बता देता हूँ, ठीक है? तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले जो लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या स्टडी किया था, प्रिज्म के अबाउट, कि प्रिज्म क्या होता है और उसकी उसमें से जब लाइट पास करती है तो लाइट का पाथ क्या रहता है। तो हमने देखा था हमारे पास एक ये प्रिज्म था, ओके, और इस प्रिज्म में से एक लाइट पास करवाते हैं तो आफ्टर रिफ्रेक्शन लाइट की बेंडिंग होती है और अल्टीमेटली लाइट का पाथ कुछ इस तरह से रहता है, ओके? यू नो दैट लाइट को बेसिकली ओरिजिनली इस डायरेक्शन में मूव करना था, बट आफ्टर रिफ्रेक्शन लाइट का फाइनल पाथ ये बन गया। मैं इसको इंसिडेंट रे कहता हूं बिकॉज ये प्रिज्म पे इंसिडेंट थी एंड दिस वन वाज एमर्जिंग रे, जो प्रिज्म से निकल रही थी तो दैट वाज एमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ था और जो इंसिडेंट रे बाद में आफ्टर रिफ्रेक्शन एक एमर्जिंग रे बन के जो निकल रही थी, उनके पाथ में कुछ चेंज आया। यूं कहिएगा कि चेंज भी कैसा आया, इन मतलब एक एंगुलर डिस्टेंस क्रिएट हो गया, मतलब लाइट की बेंडिंग हो गई। ओरिजिनली लाइट को ये पाथ इस पाथ पे चलना था, तो डॉटेड रेड कलर का है इंसिडेंट रे के अलोंग मैंने दिखाया हुआ है, बट एमर्जेंट रे कुछ इस तरीके से हुई। तो यहाँ पे जिस एंगल से इन जो रे है इंसिडेंट रे बेंड हुई, उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, थीटा आई, दैट वॉज द एंगल ऑफ डेविएशन, ओके बेटा? सो अब इस टॉपिक में हमने एक तो बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो प्रिज्म है उसका स्ट्रक्चर भी हमने स्टडी किया था कि प्रिज्म कैसा होता है। प्रिज्म बेसिकली एक 3D शेप होता है, तो उसमें उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सपोज करो कि ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, इसका 3D व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है? इस तरीके से प्रिज्म होता है, ओके? सो बात करें तो प्रिज्म का शेप कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है? तो यहाँ प्रिज्म में दो तो ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, एक तो ये फ्रंट वाला और एक ये बैक वाला। दिस इज ट्रायंगुलर सरफेस ऑफ प्रिज्म, ओके? और मैं रेक्टेंगुलर सरफेस की बात करूं तो एक तो प्रिज्म का बेस है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, एक ये साइड जो आपको दिख रही है आपकी तरफ और एक इसके बैक एंड पे, ठीक है? तो एक तो रेक्टेंगुलर सरफेस यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, ये तीनों क्या चीज है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, ओके? तो प्रिज्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रिज्म में बेसिकली क्या होता है, टू ट्रायंगुलर, प्रिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर सरफेस प्लस में 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, ये होता है हमारा प्रिज्म, ओके? सो ये तो हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था, जस्ट आप मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है। आप इस टॉपिक के अबाउट ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, दोनों लेक्चर की वीडियो का एक लिंक डेवलप कर रखा है, वहां से विजिट करके आप दोनों लेक्चर देख सकते हो, ओके? वही जो लेक्चर सेकंड है, हमने यहाँ पे कुछ और टॉपिक स्टडी किए थे। यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक प्रिज्म था और उस प्रिज्म में से हमने लाइट पास करवाई, ठीक है? कुछ इस तरह से सिचुएशन थी। और इस प्रिज्म में से जब हम व्हाइट लाइट पास करवाते हैं तो ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर में स्कैटर हो जाती है, ऐसे 3, 4, 5, 6 और 7, कुछ इस तरह से 7 कलर है, और अल्टीमेटली फिर ये लाइट ऐसे प्रिज्म में से पास हो जाती है, ओके? फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देते हैं और इस स्क्रीन पे ऑब्जर्व क्या करते हैं कि व्हाइट लाइट, ये जो व्हाइट लाइट थी यहाँ पे 7 कलर में स्कैटर होके एक खास पैटर्न बनाती है कलर का, और पैटर्न भी कैसा, उस पैटर्न में हमें 7 कलर मिलते हैं, कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो,
ऑरेंज और रेड हमें विबग्योर पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, लेक्चर 2 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और इस फेनोमिना को न्यूटन ने नाम दिया था, दैट वाज डिस्पर्शन। तो हमने लेक्चर 2 में डिस्पर्शन ऑफ लाइट के अबाउट स्टडी किया था, ओके। और फिर इसके साथ में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन होती है रेनबो की, जो आपको बहुत खूबसूरत लगती है, दैट इज रेनबो। रेनबो के अबाउट हमने स्टडी किया था। ये बेसिकली 7 कलर का आर्क होता है जो आफ्टर रेन आप ऑब्जर्व करते हो। तो ये बेसिक सा कुछ हमने स्टडी कर लिया है लेक्चर 1 और 2 में, ओके। सो अब हम बात करें आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस करना है। आज हम एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन के अबाउट स्टडी करेंगे, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ रिफ्रेक्शन से रिलेटेड चीज होगी, तो डेफिनेटली यहाँ कुछ ऐसा ही होता है, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो एटमोस्फेयर वर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर बेसिकली होता क्या है? अब फिजिक्स में एटम पढ़ा के एटमोस्फेयर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली ये होता है एटमोस्फेयर, ठीक है, ओके। सो मैं आपसे पूछूं बेटा कि एटमोस्फेयर क्या होता है, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? थोड़ा सा सोच के देखें कि एटमोस्फेयर होता है क्या है। देखो, एटमोस्फेयर हिंदी में जिसको वातावरण बोलते हो आप, उस वातावरण में क्या होता है, व्हाट डू यू मतलब एटमोस्फेयर में होता क्या है। चलो एटमोस्फेयर को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम हमारे ब्लू प्लैनेट के अबाउट जानेंगे। ये हमारा ब्लू प्लैनेट है, ठीक है। ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं? अर्थ को। और आपको पता है अर्थ नियर अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। एग्जैक्टली बात करें तो 4.543 बिलियन ईयर ओल्ड है, ओके। तो 4.5 अरब पुरानी अपनी अर्थ है। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम अर्थ के सर्फेसिस पे भी कुछ चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस आने से आपको पता है वोल्केनो वगैरह का इरप्शन होता है। तो वोल्केनो वगैरह बनने से क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसेस क्या है, रिलीज होती है, ठीक है। ये वेरी फर्स्ट प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। और फिर ये सिंस ये गैसेस काफी लाइट होती है, तो ये बड़ा ही इजीली अर्थ की ग्रेविटी से ड्रिफ्ट अवे कर जाती है और अर्थ के सरफेस से दूर चली जाती है, ठीक है। बट यू नो दैट उसके बाद में और सारे प्रोसेसेस भी होते हैं, उनमें क्या क्या रहता है कि आपने देखा कि जो वोल्केनो वगैरह का इरप्शन होता है तो साथ में कई सारी गैसेस भी निकलती है, ठीक है। और भी कई सारी गैसेस थी, और फर्दर आपको पता है विद द टाइम बीइंग जो अर्थ के सरफेस पे है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस मतलब रेस्पिरेटरी एक्टिविटी से रिलेटेड भी काफी सारी एक्टिविटी हुई, ठीक है। जैसे प्लांट्स है, तो प्लांट्स ऑक्सीजन वगैरह आपको पता है वो रिलीज करते हैं, CO2 लेते हैं, तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। और फिर धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग भी आता है या और बाकी एनिमल्स भी आते हैं, तो वो CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। फर्दर विद द टाइम बीइंग कई सारी एक्टिविटी होती गई, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की गैसेस क्या है, अर्थ के सरफेस से रिलीज होने लगी, ठीक है। आज के टाइम में बात करें तो CO2, SO2 कई सारी एक्टिव मतलब गैसेज रिलीज होती है, कहीं ह्यूमन एक्टिविटी से, एनिमल एक्टिविटी से, और इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी जो भी होती है उनसे बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है। आज की डेट में बात करें तो अर्थ के सरफेस से जो गैसेस रिलीज होती है उनमें कौन कौन सी है बताओ? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। और कौन कौन सी होती है? ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। अपने एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है, ठीक है, नाइट्रोजन होती है। और वहीं ओजोन भी मिलती है, ठीक है। नाइट्रोजन N2 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं क्या, देख लेना ये, ठीक है, शायद N ही होता है, चलो जैसे भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस वगैरह होती है,
ठीक है, और इसके साथ में क्या है कुछ और जैसे हीलियम गैस भी प्रेजेंट है, नियोन गैस भी प्रेजेंट है कुछ अमाउंट में, कुछ आर्गन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह करके अर्थ के एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। और इन्हीं गैसेस को मैं इन्हीं गैसेस को मैं दिखाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर के डॉट बना दिए हैं, ठीक है। तो अर्थ के सराउंडिंग में गैसेस का बैलून है, अर्थ के सराउंडिंग में क्या है गैसेस का बैलून है, ये जो येलो कलर की डॉट है ये अर्थ के सराउंडिंग में गैसेस है, मतलब ये गैसेस के बैलून ने अर्थ को हर तरफ से घेरा हुआ है, ओके। और यहाँ पे फिर इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, कह रहा कि अब ये जो जो गैसेस वाला जोन है ना इसी को हम बोलते हैं बेटा एटमोस्फेयर, ओके, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो एटमोस्फेयर है बेसिकली एटमोस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, आपको पता है अर्थ के सरफेस से और हम 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चले कहीं पे भी, आप अर्थ के सरफेस पे कहीं पे भी खड़े हो जाओ और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करो, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि अर्थ के एटमोस्फेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है ये इस 10 किलोमीटर के जोन में ही प्रेजेंट है, मैक्सिमम 99% गैसेस यहीं पे अवेलेबल है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और फिर क्या है जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे तो ये जो अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे तो ये जो गैसेस है इन इनमें कमी आती जाएगी, ये गैस है कम होती जाएगी, यूं कहिएगा कि गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी, ओके। और एक ऐसा पॉइंट आता है धीरे धीरे अर्थ से हम इतनी डिस्टेंस पे चले जाएं यहाँ पे गैसेस निल हो जाती है, मतलब यहाँ गैसेस होती नहीं है, कुछ नहीं होती, खाली जगह होती है जिसको आप वैक्यूम का नाम देते हो, स्पेस का नाम देते हो, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो मैक्सिमम गैसेस तो अर्थ के 10 किलोमीटर का जो सराउंडिंग का रीजन है उसी में प्रेजेंट होती है, यू मानिएगा कि सारी की सारी गैस ये जो मैं जोन जिसको हाईलाइट कर रहा हूं इसी जोन में प्रेजेंट है 10 किलोमीटर वाले में, ठीक है। फिर कुछ यहाँ पे भी गैसेस प्रेजेंट है लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इस तरह से अर्थ के चारों ओर गैसेस ने अपना बैलून बनाया हुआ है और उसी बैलून को हम एटमोस्फेयर बोलते हैं, उसी बैलून को एटमोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। बट इसमें मजेदार बात क्या है कि अर्थ के सरफेस के पास में गैसेस की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब क्या है बेटा अर्थ के सरफेस के पास में मोर डेंसिटी ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैसेस की डेंसिटी ज्यादा है। अर्थ से फिर दूर जाएंगे यहाँ पे गैसेस की डेंसिटी लेस हो जाएगी, लेस डेंसिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जो नोट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये तो जस्ट मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा था कि ये एटमोस्फेयर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अदरवाइज आप टेंथ में या 9th में आप एसएस में पढ़ते हो ना एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर की डिफरेंट लेयर है ट्रोपोस्फेयर मीजोस्फेयर थर्मोस्फेयर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो अर्थ के बिल्कुल पास वाला है इसको आप ट्रोपोस्फेयर बोलते हो, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर फिर मीजोस्फेयर फिर आइनोस्फेयर, इफ आई एम ओके, ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूँ, तो कुछ ऐसा ही होता है ना, ठीक है। बट हम इन लेयर की बात नहीं करेंगे, हम तो ऑल ओवर क्या करेंगे एटमोस्फेयर की बात करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ एटमोस्फेयर से लेना देना है और गैसेस की डेंसिटी से लेना देना है, ठीक है। अब जहां पे गैसेस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे लाइट के पाथ में ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या यूं समझिए जहां गैसेस की डेंसिटी ज्यादा होगी जैसे जहां पे मोर गैस डेंसिटीज है उसको हम बोलेंगे वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम, और अर्थ से सरफेस से दूर चलेंगे तो ये आ जाएगा रेयर मीडियम, क्या आ जाएगा रेयर मीडियम, और दूर जाएंगे गैस के अर्थ के सरफेस से यहाँ पे तो ये आ जाएगा वेरी वेरी रेयर मीडियम, ठीक है। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे ये समझो कि आपको एटमोस्फेयर समझ में आ गया है तो ठीक है, ओके। चलो अब ये नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है, वैसे भी काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना दी है हमने, ठीक है, कोई नहीं, मजेदार थी लेकिन, कुछ भी कहो। अब बेटा एक बात बताओ,
अब इनसे हम इस डायग्राम से हमने क्या देखा, ये जो डायग्राम था यहाँ पे हमने देखा कि मेरे पास क्या था, ये रेक्टेंगुलर शेप का कुछ नहीं था, बाय मिस्टेक बना है, ठीक है। ओके सो मेरे पास यहाँ पे अपना ब्लू प्लैनेट था, बहुत ही प्यारा प्लैनेट है अपना, दैट इज अर्थ, ठीक है। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अर्थ के सराउंडिंग में देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, बहुत अलग अलग टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती है अर्थ के सराउंडिंग में, ठीक है। बट यहाँ पे देर वॉज ए वेरिएशन, यहाँ पे एक चेंज था कि अर्थ के सरफेस के पास गैसेस की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम दूर जाते हैं, ये गैस क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। ये गैस क्या होती जाती है, कम होती जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो और फिर और दूर जाएंगे तो गैस और कम हो जाएगी। बस मेरे को आपको यहाँ पे एक चीज समझानी है बेटा, यहाँ पे देखो जहां पे गैसेस की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे मान लो कि लाइट ट्रेवल करेगी, हमें तो लाइट ही ट्रेवल करवानी है ना, हमें एसएस वाली चीजें नहीं पढ़नी है। मतलब यहाँ पे लाइट ट्रेवल करेगी तो लाइट के पाथ में बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, या यूं कहिएगा कि यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होती है, या यूं समझो यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मोर होता है, यहाँ पे लाइट आएगी तो लाइट की बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी। ओके सो उसके बाद में अर्थ के सरफेस से मैं यहाँ पे आ गया सपोज करो, तो यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ के मुकाबले कम होगा, यहाँ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेस हो जाएगा। और अर्थ के सरफेस से और दूर चले गए हम, सपोज कीजिएगा हम यहाँ पहुंच गए, जो तीसरा डॉट बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेरी वेरी लेस हो जाएगा, ठीक है। अब यू समझ सकते हो आप कि हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेयर मीडियम है, यहाँ मोर डेंसर, यहाँ मोर डेंसर, ठीक है। या यूं कह दो कि अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन। और यकीन मानिएगा ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आप डे टू डे लाइफ में जितने भी फेनोमेना हो रहे हैं उन उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, यदि आपको इन बेसिक से कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो जाती है तो, ठीक है। ओके सो विदाउट मेकिंग एनी डिले अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन। अब हम बात करेंगे एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन की, यू नो दैट एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो ये जो नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये मैंने अर्थ दिखाई हुई है, अर्थ के सराउंडिंग में ये गैसेस है, जहां पे जिस रीजन में डॉट ज्यादा है, यहाँ पे देखिएगा डॉट ज्यादा है, उस रीजन को हम नाम दे देते हैं वन, ये रीजन वन है, ओके। इसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा है गैसेस की, ठीक है। रीजन टू ये मोर डेंसर है, इसमें गैसेस की डेंसिटी पहले वाले से थोड़ी कम है। और रीजन थ्री ये डेंसर है, मतलब क्या है, इसमें गैसेस की डेंसिटी और कम है। और ये रीजन फोर है, जिसमें गैसेस की डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है, जिसको हम रेरर बोल देते हैं, ठीक है। रेरर का मतलब ये नहीं होता कि गैसेस की डेंसिटी जहां बिल्कुल गैसेस होगी ही नहीं, वैक्यूम वाली सिचुएशन को रेरर बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। डेंसर और रिलेटिव मीडियम दोनों एक रिलेटिव सिचुएशन है, इस चीज को ध्यान से समझना। हाँ बस मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखो गैसेस की सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ है, तो गैसेस में सबसे ज्यादा बेंडिंग लाइट की यहाँ होगी, यहाँ कम बेंडिंग होगी, यहाँ बेंडिंग और कम होगी, और यहाँ बेंडिंग सबसे कम होगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम इन इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि है क्या। देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, यहाँ पे मैंने कोई सोर्स ऑफ लाइट लिया, और ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जो बहुत दूर है और जिसकी लाइट कहाँ पहुंच रही है, अर्थ पे। और ऐसा कोई स्टार ही हो सकता है, और ये स्टार कौन सा है, सन है। तो सन इज एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ लाइट, सन यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है अपने लिए। और आपको पता है सोर्स ऑफ लाइट से क्या एमिट होगी, लाइट एमिट होगी, नेचुरल सी बात है। और ये लाइट एमिट हो रही है इस तरीके से यहाँ,
ठीक है, और सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट एमिट होती है उस एमिट को, उस लाइट एमिटेड लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। और आप एक बात बताओ, ये सोर्स ऑफ लाइट हमारा कौन से मीडियम में है? यू नो वेरी वेल दैट इज इन रेरर मीडियम। अब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर की तरफ आ रही है। अब मैं एक सिचुएशन आपसे पूछूं, ठीक है बेटा, ये वाला जोन कौन सा है? रेरर मीडियम। और इससे आगे वाला, ये वाला जोन, ये डेंसर मीडियम है। क्यों? क्योंकि देखो रेरर मीडियम में गैसेस की डेंसिटी काफी कम है या ना है, ना के बराबर है। लेकिन जैसे इस वाले जोन में हम पहुंचेंगे तो यहां से तो ज्यादा गैसेस है ना यहाँ पे, तो ये वाला मीडियम बन जाएगा डेंसर मीडियम। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, इन दोनों में एक मीडियम ये तो है रेरर, और ये वाला मीडियम बन जाएगा डेंसर मीडियम। ठीक है, मतलब लाइट यहां से यहां आएगी तो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि लाइट रेरर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है। ओके, तो अब रेयर टू डेंसर मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है, जो ये येलो कलर की डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये एज ए सेपरेट करने वाली बाउंड्री का काम करेगी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं तो आपको पता है ये नॉर्मल कुछ इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और सर्कुलर फेसिस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये लाइन होती है जो सेंटर की तरफ जाती है। ठीक है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लास में, ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो व्हाइट लाइट इंसिडेंट है इसको सीधा जाना चाहिए था, बट रेयर टू डेंसर जाने वाली लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ठीक है, मतलब रेज ऑफ लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी। ठीक है, ओके, अब उसके बाद में मैं इस सिचुएशन की, इस रिलेटिव सिचुएशन की बात करूं, अब रेज ऑफ लाइट यहां पहुंच गई, यहां से रेज ऑफ लाइट यहां आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो देखो यहां कम डेंसर है और यहां पे मीडियम ज्यादा डेंसर है। देखो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं, यहां मीडियम डेंसर है और यहां पे भी डेंसर है, लेकिन नीचे वाले, इस वाले जोन में ज्यादा डेंसर है, तो ऊपर वाला इसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगा? रेरर। ठीक है ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि रेरर और डेंसर क्या है, कंपेरेटिव सिचुएशन है। तो अब रेज ऑफ लाइट अगेन क्या है, रेरर टू डेंसर मीडियम चल रही है, मतलब अब ये वाला मीडियम रेरर बन जाएगा और ये वाला डेंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए करवा रहा हूं। ठीक है, अब इन दोनों मीडियम के लिए ये वाला इंटरफेस पॉइंट बना, और यहां पे अगेन फिर मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, नॉर्मल, और यहां पे मैंने कर दिया नॉर्मल ड्रॉ इस तरीके से। ठीक है, और अब क्या होगा, नॉर्मल मैंने अच्छे तरीके से ही ड्रॉ किया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अब ये नॉर्मल आप ऐसे ड्रॉ कर दो। यू नो माय ड्राइंग स्किल्स आर वेरी पुअर, ओके, ये तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, नहीं तो सर्कल से बनता नहीं है पूरा। ओके, सो अब एक बात बताओ, अब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करेगी तो अगेन क्या है, रेज ऑफ लाइट बैंड कर जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बैंड इस तरीके से करेगी। ठीक है बेटा, चलो फिर हम बात करें, तो अब रेयर रेज ऑफ लाइट अगेन आगे रुकेगी तो नहीं जाएगी, क्योंकि गैसेस है यहाँ पे, तो गैसेस से तो पास ट्रांसफर, यहाँ से तो लाइट पास कर जाएगी, बट अब सिचुएशन फिर कुछ अलग आ गई, एक ये वाली सिचुएशन, एक ये वाली, इन दोनों में से ज्यादा डेंसर कौन सी है, नीचे वाली, ऊपर वाली लेस डेंसर है, तो ये ऊपर वाला एज ए लेस डेंसर मीडियम को हम रेयर मीडियम काउंट कर लेंगे और नीचे वाला डेंसर हो जाएगा। ओके, सो अब लाइट अगेन क्या कर रही है बेटा, लाइट अगेन यहां से यहां आएगी, एक तरीके से रेयर से डेंसर की तरफ आएगी। ठीक है, तो अब इन दोनों मीडियम के लिए ये वाली येलो वाली लाइन क्या हो जाएगी, इंटरफेस हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, क्या ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको, एक परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से, ये आपने परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, अब रेज ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम अगेन आ रही है तो मतलब लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी और ऐसे बेंड कर जाएगी। ठीक है, बेंडिंग थोड़ी हो रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं, मतलब अल्टीमेटली लाइट यहाँ पहुंच गई। और सपोज करो यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो क्या है, कैपिटल एम, मिस्टर मयंक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एंड ही स्माइलिंग, और वो कह रहा है सर क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा।
ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मिस्टर मयंक यहाँ पे है और ये देखता है रेज ऑफ लाइट की तरफ, इधर देखता है, ठीक है कहाँ देखता है, इन जो रेज फाइनली इसकी तरफ पहुंची वहां देख रहा है, ठीक है इसका फेस इधर टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ देखेगा ये, तो इसको क्या लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट इसको लगेगा कि यहां से आ रही है, यहां से नहीं दिखेगी, ठीक है इसको मैन को लगेगा कि रेज ऑफ लाइट अल्टीमेट रेज, इसी से एक लाइन सीधी बना हुआ ऐसे, उसको लगेगा लाइट यहां कहीं से आ रही है, ऐसा लगेगा ना, ठीक है बिल्कुल लगेगा, लेकिन ये लगने वाली बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ये जस्ट एक बार बताना था क्योंकि आगे यूज होगा इसका। अब यहां पे एक बात बताओ, सन से आने वाली लाइट यू सीधी आ रही थी बट वो तो बेंड कर गई ना, क्या कर गई, बेंड कर गई, क्यों किया बेंड, क्योंकि अर्थ के सराउंडिंग जो गैसेस थी और वो अर्थ के सराउंडिंग में जो गैसेस प्रेजेंट थी एटमॉस्फेयर में उनकी हर जगह डेंसिटी अलग अलग थी, मतलब अर्थ के सराउंडिंग में ही बहुत सारे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मौजूद है अलग अलग, कहीं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है कहीं ज्यादा है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ऐसा होने से अर्थ जो लाइट के पाथ में बेंडिंग आ जाती है, सन से आने वाली लाइट जब आपके पास आती है तो वो मल्टीपल रिफ्रेक्शन से पास होके आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, और इसी को हम, दिस फेनोमेना इज नोन एज एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन, और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन, इसको हम डिफाइन करेंगे, एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन क्या होता है आप लिख लीजिएगा, लिखो द फेनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, देखो बेंडिंग ऑफ लाइट तो हो रही है, द फेनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू different layers of earth, different earth की layer नहीं, earth के atmosphere की, different layers of earth's atmosphere, जो अपने earth के atmosphere में से और atmosphere की different layer में से जब लाइट पास करती है तो वो बेंड हो जाती है, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन, ये बेटा इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो नोटबुक में आपको इतना ही नोट करना है, पहले 15-20 मिनट वाली बातें जस्ट आपके लिए नॉलेजफुल बातें थी, ठीक है नॉलेजिएबल बातें थी जिनकी नॉलेज आपको होनी जरूरी थी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही डेफिनेशन लिखनी है और यही डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके चलो अब हम इसके बाद में बात करेंगे रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो फेनोमेना है उनकी, ठीक है। तो अब हम बात करें ट्विंकलिंग ऑफ लाइट की, तो बेटा जो ट्विंकलिंग ऑफ लाइट है ये जो फेनोमेना है बेसिकली एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन के कारण होता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ लाइट क्या है, आप मान लीजिएगा कि रात को अपने घर की छत वगैरह पे आप कभी गए हो, ठीक है, या सोते हो, ठीक है, कई स्टूडेंट्स होते हैं ना खुले में जो सोने के जो होते हैं शौकीन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, छत पे सोते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मतलब जब आप स्काई को ऑब्जर्व करते हो नाइट स्काई को, तो उस टाइम आपको स्टार्स वगैरह दिखते हैं, और स्टार्स की जो पोजिशन है, स्टार अपनी जगह पे कॉन्स्टेंट नहीं दिखते, वो अपनी कंटिन्यूअसली उनकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखती है, आपको लग रहा है कि जो स्टार है एक दूसरी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ओके, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, स्टार अर्थ के सरफेस से बहुत दूर है, यू नो दैट एक स्टार की जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से लाइट ईयर की टर्म्स में होती है, लाइट ईयर बहुत बड़ी यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने की, ठीक है ना, ओके सो अब क्या है कि जब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट अर्थ अपने से बहुत ज्यादा दूर हो तो वो सोर्स ऑफ लाइट एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा ना,
किसकी तरह काम करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह। तो यहाँ पे ये स्टार है, ये भी पॉइंट सोर्स, ये भी पॉइंट सोर्स, ये सारे के सारे स्टार एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे, किसके लिए, जो अर्थ से देखेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब इनसे आने वाली लाइट हमारे एटमोसफेयर की तरफ आती है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे एटमोसफेयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं, तो हमारे एटमोसफेयर में जब इनकी लाइट पहुंचेगी इन स्टार्स की, तो वो क्या है, बेंड कर जाएगी, और बेंड करने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और वो गड़बड़ होने से क्या बनता है, एटमोस्फेरिक, उसी गड़बड़ का नाम है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसी को बोलते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसी की वजह से स्टार्स की पोजीशन हमें चेंज दिखाई देती है, बताता हूँ अभी कैसे पोजीशन चेंज होगी सारी बातें, ठीक है। तो डायग्राम पहले वाला ही है, ठीक है। सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन ये है, ये हम यहाँ पे ये स्टार ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करो हमने यहाँ पे ये वाला स्टार कंसीडर कर लिया, कोई एक स्टार कंसीडर कर लिया, ये वाला, ठीक है। और आपको पता है स्टार से क्या एमिट होती है, स्टार से लाइट आएगी ऐसे, और ये इंसिडेंट रे होगी, ठीक है। और फिर ये जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी, ये बेंड होती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसका पाथ यूं हो जाएगा, एक बार फिर बेंड होगी, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब गैसेस की डेंसिटी है ना। तो अल्टीमेटली आप देखोगे जब अर्थ के सरफेस पे लाइट पहुंचेगी, तो बेंडिंग अच्छी खासी हो चुकी होती है, मतलब ये देखो लाइट पहुंचेगी तो बेंडिंग ऐसे हो जाएगी, ठीक है। एक मैं डायग्राम आपको बना के दिखाना चाहूँ, तो देखो लाइट पहले यूं आई, फिर यूं आई, फिर यूं आई, फिर सॉरी ज्यादा हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि जो लाइट है वो कैसे आती है, एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। लाइट ऐसे आई, फिर बेंडिंग, फिर बेंडिंग, फिर बेंडिंग, इस तरह से बेंडिंग हो रही है लाइट के पाथ में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी बेंडिंग को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब होता क्या, देखो स्टार्स की पोजीशन, अब एक बात बताओ, हम इसी कांस्टेंट पोजीशन की बात करते हैं। देखो अब स्टार है कहाँ पे, स्टार यहाँ पे, स्टार की शेप तो यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो अपना देसी स्टाइल वाला स्टार बना देते हैं जो मेरे को आता है बनाना, ठीक है। ये यहाँ पे स्टार है, ठीक है, ये स्टार की पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे भी मत दिखाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, जहां स्टार है वहीं दिखाओ, ठीक है। ये जो स्टार है यहाँ पे सपोज करो, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो स्टार की कैसी पोजीशन है, दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ स्टार, ओके। और आपको पता है अर्थ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे मयंक खड़ा था, हम मयंक को कैसे भूल जाए, दिस इज हिज मिस्टर एम। तो अब मयंक खड़ा है और ये देखेगा यहां से कि भाई ये लाइट आ कहां से रही है, ठीक है ना, ये सोचेगा ये लाइट आ कहां से रही है, तो इसको तो कौन सी लाइट दिख रही है मयंक को, तो मयंक के पास तो ये वाली लाइट आई ना। तो अब ये कैसे आइडिया लगाएगा, जैसे सपोज करो मैं यहां मयंक ये तो यहां से लाइट देख रहा है, उसको लगेगा कि रेज ऑफ लाइट ही कहीं यहां से आ रही है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन सीधी नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, मयंक को लगेगा कि जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है, यहां से आ रही है, मयंक को ये लगेगा, ठीक है, ऐसा ही लगेगा ना मयंक को, मयंक को लगेगा कि लाइट कहीं यहां से आ रही है, ठीक है, मतलब यहां से लाइट आती हुई अपीयर होगी, लेकिन रियलिटी में तो यहां से कोई लाइट नहीं आ रही, ठीक है। तो और अपेरेंट पोजिशन है ये, ठीक है, मतलब यहां से लाइट आती हुई मयंक को अपीयर होगी, ओके। तो मयंक को क्या लगेगा कि ये जो व्हाइट कलर का ये जो स्टार है ना, यहां की बजाय स्टार मयंक को यहां दिखाई देगा, डॉटेड पोजीशन बनाई, इसका मतलब ये क्या है, यहां पे स्टार की अपेरेंट पोजीशन है, क्या है, अपेरेंट पोजीशन, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है मेन रीजन। अब एक बात बताओ बेटा, अब देखो स्टार अपनी पोजीशन से तो अलग दिखाई देगा ही देगा, और क्या चीज होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाले केस में, अब बताओ अर्थ के सराउंडिंग में ये सारी की सारी क्या है, गैसेस प्रेजेंट है ना, ये सारी की सारी क्या है, गैसेस प्रेजेंट है, और गैसेस तो अब आपको पता है गैसीय स्टेट में है,
तो ये कॉन्टिन्यूअसली इनमें मूवमेंट होती रहती है गैसेस में, और इसी मूवमेंट से कहीं गैसेस ज्यादा हो जाती है कहीं कम हो जाती है। जहां ज्यादा होगी वहां गैसेस की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां रिफ्रेक्शन ज्यादा होगा, और जहां ज्यादा रिफ्रेक्शन होगा वहां हमें कहीं ब्राइटर लाइट मिल जाएगी, जहां रिफ्रेक्शन कम होगा वहां हमें डिमर लाइट मिल जाएगी, डिम मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें मतलब क्या है कि एटमोस्फेयर में चेंजेस आने से, मतलब एटमोस्फेयर में जो प्रेजेंट गैसेस है उनकी डेंसिटी कॉन्टिन्यूअसली वेरी करती है प्रैक्टिकली, नॉट कॉन्स्टेंट नहीं रहती कभी भी। ठीक है, और उसी कॉन्स्टेंट रहने से अब एक बात बताओ, वो जो गैसेस की डेंसिटी चेंज करेगी एटमोस्फेयर में, तो आपको पता है कि वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो अब कहीं पे लाइट कम रिफ्रैक्ट होगी कहीं पे ज्यादा होगी। तो उसी सिचुएशन में आपको कभी स्टार से लाइट आती हुई ज्यादा मिलेगी कभी कम मिलेगी। ओके, और इसी वजह से आपको स्टार से कभी कम लाइट निकलती हुई दिखाई देगी कभी ज्यादा। दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यही लाइट स्टार्स का क्या है, ट्विंकलिंग इफेक्ट है। ये सारी बातें मैंने नीचे नोट्स बना के लिख दिए हैं और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। ठीक है, एक तो बात बनी ये, दूसरी बात बेटा अब एक बात बताओ, ये रिफ्रैक्शन होता है, अब इसी सिचुएशन की मैं बात करूं, ठीक है, ये जो मैंने यहां पे, अब एक बात बताओ स्टार की रियल पोजीशन कहाँ पे है, स्टार की रियल पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, और अपेरेंट पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे। अब मान लो अर्थ के सरफेस से, यहां से अर्थ के सरफेस से यहां से मैं हाइट मेजर करूं, तो रियल पोजीशन की तो हाइट कितनी है h1, और अपेरेंट पोजीशन की हाइट कितनी हो जाएगी h2। तो क्लियरली h2 विल बी ग्रेटर देन h1, मतलब अपेरेंट पोजीशन की हाइट है, अपेरेंट पोजीशन की जो हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ अपेरेंट पोजीशन विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ रियल पोजीशन। तो इसीलिए मतलब क्या है, एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन के कारण क्या है, स्टार जितनी हाइट पे, कम हाइट होती है स्टार की लेकिन वो रिफ्रेक्शन के कारण ज्यादा हाइट पे दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, बस ये तो मैंने जस्ट वैसे ही समझा दिया है, इसको बनाने की जरूरत नहीं। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बाद में हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो ट्विंक जो स्टार से ही रिलेटेड है। हाँ, बट ये जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज जो आज की क्लास में मैंने कवर करवाया है उसका मैं एक फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा और वहां पे एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हमारे पास एक अगला कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो दैट स्टार ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट डू नॉट। ठीक है, तो अब स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, अभी हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, सपोज दैट दिस इज आर ब्लू प्लैनेट अर्थ, यहाँ पे अपना अर्थ है, और अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे, अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे, कुछ नहीं बहुत ज्यादा, कुछ लाइट ईयर की टर्म्स में हम बात करें तो यहाँ पे स्टार है, और स्टार का डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा होने के कारण स्टार आपको पता है कि एक पॉइंट साइज दिखेगा, एक टाइनी साइज। और फिर आपको पता है अर्थ की सरफेस के सराउंड, अर्थ के सराउंडिंग में हर तरफ है, मैंने थोड़ी सी जगह में दिखा रहा हूँ, गैसेस की डेंसिटी वैरी करती है। ठीक है, इस वाले जोन में गैसेस की डेंसिटी ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब स्टार से लाइट आती है तो उसका बेंडिंग होता है, क्या होता है, बेंडिंग होता है ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो मयंक यहाँ पे खड़ा है, तो मयंक को क्या दिखेगा, स्टार की पोजीशन में अच्छा खासा चेंज दिखाई देगा, मयंक यहां से ऑब्जर्व करेगा, सपोज करो यहां से। ओके, तो मयंक को स्टार की पोजीशन कुछ यहां दिखाई देगी, लमसम यहां दिखाई देगी। ओके, अब यहां से ये पोजीशन दिखा सकते हो इस तरीके से,
ठीक है, यहां दिखाई देगा, मतलब मैन को स्टार की पोजीशन यहां दिखाई देगी, ठीक है, ये डॉटेड पोजीशन मैंने बना दी, ठीक है, ये अपेरेंट पोजीशन है स्टार की। तो स्टार के केस में तो ट्विंकलिंग है, आपको पता है एटमोस्फेयर में भी देखो स्टार से कभी लाइट कम ज्यादा नहीं होती, जब स्टार से आपको ऐसा लगता है कि स्टार से कभी लाइट ज्यादा हो रही कभी कम हो रही, ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ एटमोस्फेयर में गैसेस की डेंसिटी के कारण होता है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, बट हम प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट तो आपको पता है, प्लैनेट तो यहाँ पे है अर्थ के सरफेस के पास। देखो स्टार के कंपैरेटिवली डिस्टेंस कम है, तो अर्थ के सरफेस से देखेंगे तो प्लैनेट हमें अच्छे खासे बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है, और वहीं पे अब क्या आपको कभी कोई प्लैनेट ट्विंकल करता दिखाई देता है? नहीं देता। उसका रीजन ये होता है क्योंकि प्लैनेट अर्थ के सरफेस के पास है, और अर्थ के सरफेस के पास होने से उसका साइज हमें बड़ा दिखाई देगा। ओके, और अब इससे जो प्लैनेट है, प्लैनेट की खुद की तो कोई लाइट होती नहीं है, तो सपोज करो यहाँ पे, यहाँ कहीं सन है, क्या है, यहाँ पे कहीं सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है, तो सन से लाइट एमिट होगी और इधर सन से लाइट एमिट होके प्लैनेट की तरफ आएगी, ठीक है, और फिर प्लैनेट से लाइट स्ट्राइक करके इधर एटमोस्फेयर की तरफ आएगी, ठीक है, और एटमोस्फेयर की तरफ आएगी तो लाइट के पाथ में ऐसे बेंडिंग होगी, क्या होगी, बेंडिंग होगी। अब बेंडिंग होने से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये वाली लाइट पहुंचेगी, इस वाले जोन में जब लाइट पहुंचेगी, तो इस वाले जोन में आपको पता है गैसेस की डेंसिटी भी कॉन्टिन्यूसली चेंज करती रहती है, यू कहिएगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी वेरी करती है, ठीक है, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज करता है, तो चेंज करने से यहाँ पे अब अर्थ पे कोई पर्सन खड़ा होगा तो उसको क्या है, ये जो रेज आ रही है इसमें क्या है, ऑब्जर्व करेगा वो रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करेगा, बट क्या है कि ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट का साइज बड़ा है, मान लो ये थोड़ा सा ट्विंकल हमें पोजीशन ऑब्जर्व हो रही है ट्विंकलिंग वाली, बट साइज बड़ा होने से मान लो ये यहां पे शिफ्ट हो गया तो हमें ज्यादा डिफरेंस का पता नहीं चलेगा। You're getting my point. तो लार्ज साइज होने से ये दिक्कत होती है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये क्या होती है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन होते हैं, इसे लाइट स्ट्राइक करके सन से निकलने वाली बहुत ज्यादा लाइट है जो प्लैनेट से रिफ्लेक्ट करके अर्थ के सरफेस की तरफ आती है, तो जब इनका एटमोस्फेयर की गैसेस की डेंसिटी वैरी करती है तो उस टाइम आपको पता है एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन होता है तो कहीं रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो ब्राइटर वाला सिस्टम बनेगा, और जहां पे कम होगा तो डिमर वाला, तो उस केस में इन सभी का एक नेट रिजल्टेंट जो हमें रिजल्ट मिलता है उसमें क्या होता है कि ट्विंकलिंग इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। यहाँ पे ट्विंकलिंग इफेक्ट प्लैनेट के केस में नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आपको जस्ट ये लिखना है, ट्विंकल स्टार बट प्लैनेट डू नॉट, बिकॉज द साइज ऑफ प्लैनेट सॉरी द डिस्टेंस ऑफ स्टार इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बट प्लैनेट आर वेरी क्लोजर टू अर्थ, एंड अनदर द साइज ऑफ प्लैनेट इज वेरी अप्रिसिएबल, बट इन केस ऑफ स्टार का डिस्टेंस ज्यादा होने से स्टार का साइज क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल। सो इस केस में क्या होता है कि प्लैनेट का साइज बड़ा होने से जो उसके पोजीशन में थोड़ी सी शिफ्ट क्रिएट होती है, ट्विंकलिंग वाली जो सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो वाली नलीफाई हो जाती है, ठीक है। सो बस ये यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने लिखा हुआ, आप समझ गए होंगे अच्छे से, और ज्यादा इस पे एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल थ्योरी वगैरह एक्सप्लेन कर रखी है, लेकिन मैं आपको ये मेन कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मेन कॉन्सेप्ट है क्या। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखो, आपको पता है बेटा यहाँ हमारा ब्लू प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पे मैंने अर्थ को दिखाया हुआ है, अर्थ के सराउंडिंग में ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, जहाँ कहीं पे यहाँ पे देखो ये वाला जो रीजन फर्स्ट है, ये जो रीजन फर्स्ट है, यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे
लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ बिल्कुल ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो एक तरीके से अर्थ के सरफेस से हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, बट इस डायरेक्शन में चलेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ रेयर मीडियम, यहाँ डेंसर, यहाँ मोर डेंसर, यहाँ मोर डेंसर। तो जो आपको ठीक लगे वो आप बना सकते हो, सिचुएशन दिखा सकते हो, जो नोट्स में दिखाई गई है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्पल कलर की लाइन देख रही होंगी, अर्थ के सरफेस पे एक टेंजेंशियल लाइन मैंने बना रखी है, इसको बोलते हैं हम होराइजन, ठीक है। क्या है होराइजन? होता क्या है होराइजन के केस में, मतलब जब सन की पोजीशन होराइजन से नीचे होती है तो उस केस में हमें सन दिखाई नहीं देगा, हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो, फॉर दिस पोजिशन। और जब होराइजन से ऊपर सन आ जाता है, यहां पे आ जाता है, तो हमें अर्थ के सरफेस पे हम सन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। बट हम सिचुएशन कौन से डिस्कस कर रहे हैं, इनिशियली अर्थ, ये जो होराइजन वाली लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हो होराइजन वाली, सन इससे नीचे है, जो व्हाइट कलर का मैंने दिखाया, यहाँ पे सन है, ओके। सो अब हम बात करें, अब बेटा यहाँ पे सन होराइजन से नीचे है तो नेचुरल सी बात है हमें सन दिखाई नहीं देगा अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। बट आपको पता है सन से लाइट तो एमिट होगी, सन होराइजन से नीचे है अर्थ के सरफेस पे दिखाई नहीं देना चाहिए, बट आपको पता है सन है, सन से रेज एमिट हुई और इस तरफ गए, ठीक है। सन आपको पता है यहाँ पे रेयर मीडियम में है, यहाँ पे जो सन की पोजीशन है वो रेयर मीडियम में है, ओके। सन की पोजीशन रेयर मीडियम में है यहाँ पे, इस केस में ये पूरा का पूरा ये वाला जोन रेयर मीडियम का है। बट आपको पता है जैसे ही सन की लाइट यहाँ पहुंचेगी, रेयर मीडियम से चलते चलते आगे अर्थ के एटमोसफेयर की तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी, अर्थ के एटमोसफेयर की तरफ, ऐसे आप दिखा दो ऐसे लाइट जा रही है, ठीक है। फिर जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, एंटर करते ही एक पॉइंट आएगा इंटरफेस। देखो अर्थ के सरफेस में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने का मतलब क्या है, यहाँ पे गैसेस की डेंसिटी आ जाएगी, तो यहाँ पे डेंसर मीडियम हो गया। ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे रेज ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, ओके। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो सपोज करो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अब रेज ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो आपको पता है इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल, रेज ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है। फिर आगे रेज ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे फिर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, अगेन बेंडिंग ऑफ लाइट होगी और लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन में फिर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ठीक है, और रेज ऑफ लाइट क्या अगेन बेंड कर जाएगी। अल्टीमेटली रेज ऑफ लाइट यहाँ अर्थ के सरफेस पे मयंक के पास पहुंच गई है, ठीक है। अब मयंक बेटा क्या करेगा, यहां से देखेगा और देखेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है। तो ये देखो लाइट को, लाइट हम, हमारी आईज एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, तो ये वाली लाइट हमें लगेगा ना कि ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है। मयंक को ये फील होगा कि लाइट तो भाई यहाँ कहीं से आ रही है, इस यहाँ से आ रही है, ओके। हम थोड़ा सा मोर एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ठीक है, रफली ना बनाए, चले तो फ्री हैंड से बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो मयंक को लगेगा कि रेज ऑफ लाइट यहाँ कहीं से आ रही है, ऐसा फील होगा ना, ठीक है। तो मतलब उसको ये जो यहाँ पे वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट दिखेगा, मतलब उसको लगेगा कि लाइट यहाँ कहीं से आ रही है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे लगेगा कि उसको यहाँ तो सन है, सन दिखाई देगा, वर्चुअल सन दिखाई देगा, रियल में तो यहाँ पे है। तो ये तो क्या चीज है, रियल पोजिशन ऑफ सन, दिस इज द रियल पोजिशन एंड दिस वन इज अपेरेंट पोजिशन, ठीक है। और ये जो फेनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं एट सनराइज, जब सुबह सन निकलता है उस टाइम पे हम ये फेनोमेना ऑब्जर्व करते हैं, यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
ठीक है, ये जो फेनोमेना है हम सनराइज के टाइम पे फॉलो करते हैं, ठीक है। और कब फॉलो करते हैं, जब सनराइज का एक्चुअल टाइम होता है उससे 2 मिनट पहले सन की ये पोजीशन मैंने दिखाई है, ठीक है, और 2 ही मिनट के बाद में तो ये सनराइजन से इसकी पोजीशन अप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लाइट 2 मिनट पहले मिल गई, मतलब हमारा दिन जिसमें लाइट रहनी थी उसकी टाइम में 2 मिनट की बढ़ोतरी हो गई है, 2 मिनट से डे इंक्रीज कर गया है सनसेट के टाइम। सिर्फ अभी सिर्फ सनसेट के टाइम पे डे की लेंथ 2 मिनट इंक्रीज हुई है, ओके। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। काफी मजेदार फेनोमेना है, ठीक है, ओके। अब क्या है, फिर आपको पता है सन की पोजीशन चेंज होती है और जब सन वापस क्या है होराइजन से नीचे चला जाता है तो हम कह देते हैं कि भाई सनसेट हो चुका है। अब यहां पे कौन सी सिचुएशन होगी, सन होराइजन से नीचे चला गया, सनसेट। नाउ क्वेश्चन कम, क्या अब भी आप सन को देख पाओगे? डेफिनेटली देख पाओगे, ठीक है। कैसे देख पाओगे, यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे सन है, सन से बहुत सारी लाइट निकलेगी तो कोई एक लाइट निकल के ऐसे भी तो जाएगी ना, ठीक है। कोई एक लाइट, एक मिनट बेटा, ये जो सन है इससे लाइट एमिट होके कोई लाइट यहां पे भी तो आएगी, ठीक है। और ये जो सन से निकलने वाली रेस कौन सी थी बेटा, इंसिडेंट रे। ये यहाँ पे कौन सा मीडियम है, रे रंग मीडियम है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये रे रंग मीडियम, अब लाइट डेंसर में जाएगी, फिर मोर डेंसर, फिर मोर डेंसर, ठीक है। अब देखो जैसी रेज ऑफ लाइट यहाँ पहुंचेगी, यहाँ मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा, क्या ड्रॉ कर दूंगा, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ कर दो आप यहाँ पे, ये बना नॉर्मल, ठीक है। तो रेज ऑफ लाइट को सीधा जाना था बट ये क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है। अगेन रेज ऑफ लाइट का जो पाथ रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, बेंडिंग होती जाएगी और रेज ऑफ लाइट बेंडिंग के टाइम में नॉर्मल की तरफ जाएगी क्योंकि लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है। और रेज ऑफ लाइट यहाँ पहुंच गई, आफ्टर बेंडिंग रेज ऑफ लाइट सपोज करो यहाँ पहुंच गई, ठीक है। ये वाला नॉर्मल रेड कलर से दिखा देते हैं। और यहाँ पे कौन खड़ा है, मयंक खड़ा है, ठीक है। अब मयंक यहाँ देखेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, मयंक को फील होगा कि लाइट तो यहाँ से आ रही है। तो अब इस केस में क्या होगा, मयंक को जो सन की पोजीशन है वो कहाँ दिखाई देगी, यहाँ कहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मयंक को, दिस इज द अपेरेंट पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन, ठीक है। और ये कब है, एट सनसेट, सनसेट के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे ये वाली जो पोजीशन है, दिस इज द रियल पोजीशन, दिस इज द रियल पोजीशन, रियल पोजीशन है सन की ये तो, ठीक है। और ये सन की कौन सी, अपेरेंट पोजीशन, कब, एट सनसेट। और ये अपेरेंट पोजीशन कब है, एट सनराइज। तो जब सन मतलब होराइजन से नीचे गए हुए जब सन को 2 मिनट हो जाते हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम क्या है, तब भी अर्थ के सरफेस पे कोई पर्सन है तो उसको सन दिखेगा, मतलब इवनिंग के टाइम में भी हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमें 2 मिनट सन की लाइट एक्स्ट्रा मिल रही है। तो 2 मिनट सनराइज के टाइम में मिली, 2 मिनट एक्स्ट्रा लाइट सन सेट के टाइम में मिली, तो इससे हमारा जो लाइट वाला टाइम है डे में वो 4 मिनट इंक्रीज हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि एडवांस सनराइज, मतलब एटमोस्फेयर से सनराइज एडवांस हो गया, हमें सन पहले दिख गया, और डिलेड सनसेट, हमें सन, हमने क्या है सनसेट को डिले कर, हमने नहीं, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ने सनसेट को डिले कर दिया, ओके बेटा। सो अब यहाँ पे मैंने ये सारी कहानी समझा रखी है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो
और नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, अदरवाइज मैंने बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी कहानी मिल जाएगी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। हाँ, अब यहाँ से देखो, इन दिस वे द लेंथ ऑफ ईच डे इंक्रीजेस बाय 4 मिनट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो से थैंक्स टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, नॉट रिट्रैक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन। ओके, सो अब इसीलिए हम क्या कहते हैं, अभी और भी आपको एक चीज नोट करनी है, सन अपीयर्स फ्लैटेंड और ओवल, हमें ओवल शेप में सन दिखता है, ठीक है, या फ्लैटेंड, एक चपटाकार जो हिंदी में बोलते हैं, जो भी वटर्स होगी, और सन की शेप इस तरीके की दिखती है एट सनराइज और सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में होपफुली आपने काफी एंजॉय किया होगा और नेचुरल फेनोमेना जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसको बहुत अच्छे से समझा होगा, और होपफुली आपने क्लास एंजॉय की होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे आप नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।